संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है असंभव से भी आगे निकल जाना। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की इन पंक्तियों से आप सभी बहुत प्रेरित होते होंगे, मोटिवेट होते होंगे और इन पंक्तियों को आप सभी जानते होंगे। इन पंक्तियों का क्या अर्थ है? एक विद्यार्थी के जीवन में, एक स्टूडेंट के जीवन में फोकस का वही अर्थ है जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का रोल है। अगर हमारे पास फोकस हो तो हम बड़े से एक बड़े काम को बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों की समस्या यही होती है कि हम लोग फोकस नहीं कर पाते, इसीलिए हम अपने कार्य में 100% नहीं दे पाते। आज मैं बात करूंगा उन परीक्षार्थियों की जिनके एग्जाम बहुत नजदीक हैं और बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, फोकस नहीं हो पा रहा है, आखिर हम क्या करें? देखिए, सबसे बड़ी बात, इसके लिए बहुत सारी चीजें जिम्मेदार होती हैं, तो आज मैं आपसे उन सभी बातों पर बात करने वाला हूं। तो स्वागत है मित्रों आपका एपीएन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर और मैं आपका मित्र उज्ज्वल उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका फोकस से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं अहम वीडियो में। यहां पर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, यहां पर मैं आपको दो केस बताता हूं। दोस्तों, दो दोस्त थे और दोनों के सोचने का तरीका बहुत अलग था। एक के पास एग्जामिनेशन के लिए 4 महीने समय थे और दूसरे के पास भी एग्जामिनेशन के लिए 4 महीना समय था। जो पहला मित्र था वह यह सोच रहा था कि मेरी तैयारी कुछ भी नहीं है, मैं कैसे इन 4 महीनों में तैयारी कर पाऊंगा, क्या मैं पास हो पाऊंगा या नहीं, उसके मन में ये सारे विचार चल रहे थे। और जो दूसरा दोस्त था उसके मन में ये विचार थे कि मेरे पास 4 महीने हैं, मैंने इसके पहले 8 महीनों में क्या किया इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे इस 4 महीनों में अपना बेस्ट देना है, अपने तरफ से कोई कमी नहीं रखनी जिससे मेरे एग्जामिनेशन में नंबर कटे, जिससे मुझे कम स्कोर मिले। तो यहां पर आपका सोचने का तरीका ही आपको औरों से अलग बना देता है। सबसे पहले जो भी इस वीडियो को देख रहा है वह अपने मन में यह बात जरूर ठाने कि आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूं। हम लोग क्यों घबराते हैं? क्योंकि हम लोग दूसरों से कंपैरिजन करते हैं और ये एक बहुत बड़ा कारण होता है आपके फोकस का डेविएशन का। यानी आपका फोकस क्यों हटता है? क्योंकि आप 4 लोगों में जाते हो, 4 लोगों की स्ट्रेटेजी सुनते हो, 4 दोस्तों के बारे में सुनते हो कि इसका इतना परसेंट सिलेबस तैयार है, इसका इतना परसेंट सिलेबस तैयार है। ऐसे भी आपका फोकस आपसे गायब होता है क्योंकि आप अपने से हट करके दूसरे के बारे में सोचने लगते हो। तो सबसे पहले अपने थॉट को सही करें। थॉट का मतलब आप ये सोचें कि मैं बेस्ट हूं। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए आज कोई डॉक्टर बन जाता है, कोई MBBS की डिग्री निकाल लेता है, कोई UPSC निकाल लेता है, पर आप आज स्ट्रगलिंग फेज में हो, तो आप ऐसा नहीं कि आप खराब हो, बस आपको भी वही जर्नी ट्रेवल करनी है और अपने आप को बेस्ट मानते हुए करना है। ये सोचना है कि जब अगले इंसान ने कर दिखाया तो मैं क्यों नहीं, मेरे में क्या कमी है। तो आप कोई अचीवमेंट आपका अभी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पूरी लाइफ कुछ अचीव नहीं करोगे। आपको सिर्फ मेहनत करनी है, अपने बेसिक्स पे काम करना है और अगर आप ये करते हो तो आप भी उस टारगेट को अचीव करोगे जो अगले ने करके दिखाया है। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में चलने से पहले आपको यही बात बताने वाला था कि अपने आप को आप बेस्ट समझें, किसी से आप कंपेयर ना करें। आप एक अलग इंडिविजुअल हैं, आपकी पर्सनालिटी अलग है। हो सकता हो कि जिस काम को करने में उसने 5 साल लिया हो, अगर आप उस काम को फोकस से कर दो तो आप उसको 2 साल में कर दो, 1 साल में उस काम को कर सकते हो। तो अब बोर्ड परीक्षार्थियों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि सर, एग्जामिनेशन बहुत पास है, हम सभी इतने घबराए हुए हैं, किस तरह से हम तैयारी करें? तो सबसे पहले जान लीजिए, आपको मैं आज एक साइकिल समझा देता हूं। अगर ये साइकिल आप समझ जाते हो तो आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ इस वीडियो में देख लोगे, इस वीडियो में पा जाओगे। देखिए, आपके पास 3 चीजें होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। जो आपने पास्ट में किया होता है उसका कोई भी रिलेशन आपके प्रेजेंट से होता है? अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो बिल्कुल दोस्तों, जो आपने पास्ट में किया है वो आपके प्रेजेंट को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। आप पास्ट में ही नहीं पढ़ाई करते थे, आप नहीं पढ़ रहे थे, यही कारण है कि आप प्रेजेंट सिचुएशन में आप बहुत टफ, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं, और यही प्रेजेंट कल को आपका पास्ट बनेगा और ये आपके फ्यूचर को अफेक्ट करेगा। तो इसलिए आपको ये सोचना ही नहीं कि मेरे पास क्या चला गया, क्योंकि जो चला गया वो चीजें चली गई। आपके पास जो समय है सिर्फ उसमें आपको बेस्ट देना है। मैंने जो आपको कहानी समझाई उसमें यही बताया कि जो वो लड़का था दूसरा वाला, उसको ये सोच रहा था कि मेरे पास इतना समय है तो मैं अब आज से, इस मोमेंट से, इस सेकंड से क्या अच्छा कर सकता हूं कि जिससे मेरा एग्जाम में अच्छा नंबर आए, एग्जाम में मैं स्कोर कर पाऊं। तो सबसे पहले जान लीजिए, अपने थॉट प्रोसेस को क्लियर करिए। और देखिए, आप लोग कॉन्सेंट्रेशन बार बार कहते हो, कॉन्सेंट्रेशन तो आएगा ही, साथ साथ उसके साथ डिस्ट्रैक्शन भी आएगा। क्योंकि देखिए, हर चीज का पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है, निगेटिव इफेक्ट भी होता है। टेक्नोलॉजी के पास पॉजिटिव इफेक्ट भी है, टेक्नोलॉजी का निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस चीज को ग्रास्प करते हो, किस चीज को आप लेते हो।
तो सबसे पहले जान लीजिए, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन के पीछे भागोगे तो आपका डिस्ट्रैक्शन भी आना जरूरी है। डिस्ट्रैक्शन भी आपको रोकेगा कि आप ये काम नहीं कर सकते, पर आपको वहां पर अपने आप से लड़ाई करनी है, अपने आप से जंग आपको छेड़नी है कि नहीं मुझे करके दिखाना है किसी भी हाल में। और इसका एक ही कारण है, आप अपने टारगेट को एकदम प्रायोरिटी नंबर वन रखो कि मुझे किसी भी हाल में अपने टारगेट को अचीव करना है। मेरा जो बोर्ड एग्जाम है आज से 3 महीना बाद, वो मेरी पहली प्रायोरिटी है, ये आप सेट करो। और जो अगली चीज है वो है हॉनेस्ट विथ योरसेल्फ। अगर आप खुद से हॉनेस्ट हो तो आप इस दुनिया में कोई भी काम कर सकते हो, कोई भी टारगेट अचीव कर सकते हो। फोकस आपका कब आएगा, जब आप हॉनेस्ट होगे, सुपर हॉनेस्ट होगे अपने आप से। आप जितने भी घंटे पढ़ रहे हो खुद का एनालिसिस खुद करिए कि मैंने आज कितनी पढ़ाई करी। और मैं आपको यहाँ पर एक लाइन बोल देता हूँ, बी अ वॉरियर नॉट बी वॉरियर। आप एक योद्धा बनिए, आप ऐसा ना हो कि जो आपने चीजें की उस पर आप रिग्रेट करें। नहीं, आपने जो किया वो आपका पास्ट था, वो बीत चुका, अब आपको नए सिरे से स्टार्ट करना है, एकदम रिफ्रेश स्टार्ट करना है। देखिए डिस्ट्रैक्शन आपको दो तरह के मिलेंगे, आप कहीं भी देखोगे, कहीं भी आप पढ़ते होगे, कोई भी आर्टिकल आप पढ़ते होगे, डिस्ट्रैक्शन आपको दो तरह के मिलते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल डिस्ट्रैक्शन जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है, एक्सटर्नल पे तो आप काबू पा सकते हो। अब एक्सटर्नल का मतलब क्या, आप पढ़ाई कर रहे हो, बगल वाले रूम में किसी ने म्यूजिक चला दिया, कोई टीवी देख रहा है, कोई आपके सामने बोल रहा है, तो आप उसको मना कर दोगे, ये आपका एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन है। इसको खत्म करने के बाद आपके जो अंदर इंटरनल आ गया है, इंटरनल का मतलब आपके अंदर निगेटिविटी आ गई, आपके अंदर कंपेरिजन आ गया, आपके अंदर डाउट आ गया कि क्या मैं इस चीज को हासिल कर पाऊंगा या नहीं, ये सारी चीजें आपको इंटरनली बहुत अफेक्ट करती हैं, इन चीजों से आपको बचना है। अब आपके पास जो भी समय बचा है सिर्फ आप ये देखो कि मैं इस समय में किस तरह से अपने आप को प्रायोरिटाइज करके, किस तरह से टाइम टेबल को करके, कौन कौन सी किताबें पढ़ के मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता हूं। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर हमें फोकस नहीं हो पा रहा है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो इन चीजों पर आपको काम करना होगा। अब बात आती है कि क्या ये चीजें रैंडम होंगी, नहीं। सबसे पहला पॉइंट रखिए कि आप हॉनेस्ट रहिए अपने आप से, आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्या टास्क करना है, कितने दिन का मेरे पास समय बचा है और कहां तक मैं पहुंच सकता हूं। आपको ख्याली पुलाव नहीं पकाना कि मैं 95% 90%, क्योंकि आपको भी पता है कि वो चीजें आपने जो की हैं कहीं ना कहीं वो आपके रिजल्ट को इम्पैक्ट करेंगी। पर जो बेस्ट टाइम है, जितना मेरे पास टाइम बचा है, उसमें मैं बेस्ट दे करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट कैसे ले सकता हूं। तो ये सारी बातें अगर आप करते हो, अगर आप इन चीजों को अप्लाई करते हो, तो बहुत आसानी के साथ आप फोकस बनाओगे। और देखिए फोकस का तरीका यही है कि आप क्या करो, मैं नहीं कहूंगा कि आप मेडिटेशन करो, योगा करो, वो चीजें नहीं, आप बस अपने आप को सेट कर लो, प्रायोरिटाइज कर लो। आपको जो चीजें दिखनी चाहिए सिर्फ अपना टारगेट दिखना चाहिए, और ये टारगेट आपको मिलेगा तो उससे आपको क्या क्या फायदे होंगे ये भी चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि चीज आपको मोटिवेट करेंगी। आप इस वीडियो को देखोगे, 1 से 2 दिन पढ़ाई करोगे, 3 दिन पढ़ाई करोगे, लेकिन फिर आप सोचोगे कि ठीक तो है, मेरा काम चल ही रहा है, मैं पास तो हो ही जाऊंगा। ऐसा आपको नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है कि मुझे अपने एग्जाम में सबसे बेहतर करके दिखाना है। उन लोगों को जवाब देना है जिन्होंने मुझे कमजोर समझा, जो मुझे ये मानते थे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, उन लोगों को आपको गलत सिद्ध करना है। और सबसे बड़ी बात, खुद से आपको एक वादा करना है कि मैं आज से अपने जीवन में अपना बेस्ट देने वाला हूं, इस एग्जाम को मैं इस तरह से दूंगा जैसे ये मेरे जीवन का अंतिम एग्जाम हो, और इसके बाद मुझे कोई भी एग्जाम नहीं देना है, तो अपना बेस्ट आपको देना है। उम्मीद है कि ये बहुत ही इंस्पायरिंग वीडियो, बहुत ही मोटिवेटिंग वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को जरूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ऑसम डे।